हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ऑज़ेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर ने कभी भी जो कुछ भी पढ़ रखा था उसके अनुसार ऑज़ेबल किसी भी प्रकार से उसे विचरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑज़ेबल हैड अ रूम। अंधेरे वाले फ्रांसीले होटल के दुर्गंध वाले गलियारे में से जिसमें ऑज़ेबल का कमरा था, फाउलर उसका पीछा करते हुए निराशा महसूस कर रहा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड स्क्योरली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर। वह छठी और आखिरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था और जिसका वातावरण एक रोमांचकारी व्यक्ति के अनुकूल नहीं था। ऑज़ेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ऑज़ेबल एक बात है, मोटा, बहुत ही मोटा था और फिर उसका बोलने का एक लहजा था। वह फ्रांसीसी और जर्मनी भाषा भी काम चलाऊ ढंग से बोल लेता था। उसने कभी भी अमेरिकन लहजे को नहीं खोया था जो वह 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस लाया गया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप निराश लगते हो, ऑज़ेबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर। ऑज़ेबल ने अपनी गर्दन घुमाकर कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियनेज एंड डेंजर। आपको बताया गया कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस जो जासूसी और खतरे के काम करता है। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप लेखक, युवा और रोमांचकारी हैं। आप रात के समय रहस्यमयी चीजों की कल्पना करते हो, जैसे बंदूकों की आवाज और शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू His hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. Iski bajaye aapne French sangeet hall mein ek mote pilpile vyakti ke saath nareesh sham bitayi hai jiske haathon mein kale nayanon wali sundariyon ke haathon sandesh आने की बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए वह केवल साधारण टेलीफोन कॉल आते हैं।
गए होंगे। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। मोटा आदमी मन ही मन हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपने परेशान मेहमान को अंदर आने के लिए एक और हटकर खड़ा हो गया। यू आर डिसिल्यूजन्ड, ऑजेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। आप भ्रम मुक्त हो गए हो, ऑसिबल ने उसे बताया, लेकिन मेरे युवा मित्र प्रसन्न रहो, अभी आप एक पत्र देखोगे। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैड रिस्क देयर लाइव्स। कम टू मी, एक महत्वपूर्ण पत्र जिसके लिए अनेक पुरुषों और महिलाओं ने अपना जीवन जोखिम में डाला है, मेरे पास आओ। Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? जल्दी ही किसी दिन वह पत्र इतिहास के मार्ग को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। क्या यह विचार नाटक है? क्या वह नहीं है? As he spoke, Audible closed the door behind him. Then he switched on the light. जब Audible यह बोला, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने बत्ती जलाई। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही बत्ती जली, फाउलर ने उस दिन को अपना पहला वास्तविक रोमांच देखा, क्योंकि कमरे के बीच में एक आदमी अपने हाथों में एक छोटी स्वचालित पिस्तौल लिए खड़ा हुआ था। Audible blinked a few times. Audible ने कई बार पलकें झपकाई। Max, he wished, you gave me a quiet start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? उसने जोर से सांस खींचकर कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया था। मैंने सोचा तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड countenance of a fox, लंबा नहीं और उसके चेहरे से एक लोमड़ की शक्ल का आभास होता था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. उसके हाथों में बंदूक के अतिरिक्त वह बिल्कुल भी डरावना नजर नहीं आता था। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. I will be safer in my hands than in yours. सूचना, वह बड़बड़ाया, वह सूचना जो आज रात नए प्रक्षेपास्त्रों के संबंध में आपके पास लाई जा रही है, मैंने सोचा कि मैं उसे आपस से ले लूंगा। वह आपके हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी। Audible moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil
with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. और सेबल एक बाजू वाली कुर्सी के पास गया और उस पर सांस भरते हुए बैठ गया। उसने गंभीरता पूर्वक कहा, इस बार मैं इस प्रश्न को प्रबंधकों के सामने उठाने जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. एक महीने में यह दूसरा अवसर है जब कोई उस परेशान कर देने वाले छज्जे से मेरे कमरे में घुसा है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. फाउलर की दृष्टि कमरे की अकेली खिड़की की ओर गई। यह एक साधारण खिड़की थी जिस पर अब रात्रि का दबाव पड़ रहा था। It's not my balcony. छज्जा, Ozable said with extreme irritation. Max ने, It belongs to the next apartment. नहीं, मेरे पास एक गुप्त चाबी है। मुझे छज्जे के बारे में नहीं पता। यदि मुझे इसके छज्जे के बारे में पता होता तो शायद इससे मेरी कुछ परेशानी कम हो जाती। यह मेरा छज्जा नहीं है, ऑसबल गुस्से से चिल्लाया। इसका संबंध अगले कमरे से है। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. उसने व्याख्यात्मक दृष्टि से फाउलर की ओर देखा। आप जानते हो, उसने कहा, यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे में से रहने का कमरा हुआ करता था। इसका छज्जा जो अब मेरी खिड़की के नीचे आता है। You can get onto it from the empty room two doors down. Somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. आप इसमें अगले दरवाजे से खाली कमरे में से प्रवेश कर सकते हो और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। प्रबंधकों ने इसे बंद करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. Max ने फाउलर की ओर देखा, जो ऑसबल से कुछ फुट दूर अकड़ा हुआ सा खड़ा था और आदेशात्मक संकेत से बंदूक हिलाते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए। उसने कहा, मुझे लगता है हमें आधा घंटा प्रतीक्षा करनी होगी। 31 minutes, Ozable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learnt about the report, Max. The little spy smiled heavily. And we wish we knew how your people go the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door?
31 मिनट, आसबल ने चिड़पने से कहा। मुलाकात का समय 12:30 था। मैक्स, काश मुझे मालूम होता कि तुम्हें सूचना के बारे में कैसे पता चला। छोटा जासूस दुष्ट हंसी हंसा, और काश हमें मालूम होता कि तुम्हारे आदमियों ने उस सूचना को कैसे प्राप्त किया, लेकिन कोई क्षति नहीं की गई है। मैं उसे आज रात वापस प्राप्त कर लूँगा। वह क्या है? दरवाजे पर कौन है? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. दरवाजे पर अचानक दस्तक की आवाज सुनकर फाउलर उछला। ऑसबल जरा मुस्कुराया। वह पुलिस होगी, उसने कहा। मेरा मानना है कि इतना महत्वपूर्ण पत्र जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, दे विल एंटर एनीवे। The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. मैंने बताया था कि मेरे पास आकर सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक ठीक है। मैक्स ने घबराहट में अपना होंठ काटा। पुनः दस्तक की आवाज हुई। ऑसबल ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? यदि मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ तो वह किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। मैक्स का चेहरा गुस्से के कारण एकदम काला पड़ गया, जैसे ही वह तेजी के साथ खिड़की की ओर आ गया। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। सेंड देम अवे, ही वांड। I will wait on the balcony, send them away, or I will shoot and take my chances. उसने अपनी टांग बाहर अंधेरे में निकाल ली। उसने चेतावनी दी, उन्हें दूर भेज दो, मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करूँगा। उन्हें दूर भेज दो वरना मैं गोली चला दूँगा और मैं अपना भाग्य आजमाता हूँ। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Audible, Mr. Audible. दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ऊंची हो गई और एक आवाज़ आई, Mr. Audible, Mr. Audible. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को अकड़ा हुआ रखते हुए ताकि बंदूक मोटे आदमी और उसके अतिरिक्त की ओर रहे, और उस आदमी ने अपने आप को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखाट को कसकर पकड़ लिया। तब उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर करके खिड़की का सिल के ऊपर घुमाई। द डोर नोब टर्न्ड स्विफ्टली। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। एंड देन एज ही ड्रॉप He screamed once, shrilly. दरवाजे की दस्ती
मूंठ घूमी। अपने आप को मुक्त करवाने और छज्जे के ऊपर गिरने के लिए मैक्स ने अपने बाएं हाथ से फुर्ती के साथ धक्का दिया और तब जब वह गिरा तो उसने जोर से चीख मारी। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. darwaza khula aur ek bara ek tray ek bottle aur do glass liye khada tha. shriman ji yeh rahi sharab jiske liye aapne aadesh diya tha, usne tray mez par rakhi, nipunta ke sath bottle का ढक्कन खोला और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। सफेद चेहरा लिए हुए कांपते हुए फाउलर उसके पीछे चल दिया। वह हकला कर बोला, लेकिन पुलिस की क्या खबर है? बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फाउलर बिगेन। कभी कोई पुलिस नहीं थी, ऑजेबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, केवल बैरा हेनरी था। नो सेड ऑजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, फाउलर ने बात शुरू की, लेकिन जो आदमी छज्जे पर है उसकी क्या खबर है? ऑजबल ने कहा, नहीं वह वापस नहीं आएगा, मेरा युवा मित्र, आपको पता होना चाहिए बाहर छज्जा ही नहीं है। रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। थैंक यू फ्रेंड्स।